आज भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर फरोयत के द्वारा भारतवर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी की अखंड जीत हुई है के उपलक्ष्य में मिष्ठान वितरण व आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जिले के सूची जिला अध्यक्ष श्री कन्हैया लाल गुप्ता जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री नानक चंद अग्रवाल जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री सुनील टंडन जी, वृद्ध क्षेत्र मंत्री मनीष अग्रवाल, लोकसभा विस्तार रुद्र लक्ष्मीकांत अवस्थी, श्री महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा अंकित तिवारी, दीपक गुप्ता, हेमंत मित्तल, अंशुल तिवारी, सुमित तोमर, दीपक बंटी, विकास ध्रुव, अमन दुर्गा, देव शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। आज का ये जश्न भारतीय जनता पार्टी को जो अभूतपूर्व सफलता मिली है, बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की देश के स्वतंत्र होने के बाद में पहली बार सूर्योदय हुआ है। सरकारें बहुत बनी हैं स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक, लेकिन सब सरकारें छदम सेकुलरवाद पर या राष्ट्र का जो अहित हो सकता है वो उनको ना हो करके केवल सुदृढ़ होगी सरकारें बनी थी, लेकिन ये पहली सरकार बनी है इतने भारी बहुमत से जो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उदय के लिए है। और इस यही वह सरकार है जिससे कि भारत आगे चल कर विश्वगुरु बन सकता है। और इसी सरकार ने पिछली सरकारों की अपेक्षा जो मान सम्मान और देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है विदेशों में, वो ऐसी सरकार है। मैं इसके लिए जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। दरअसल 1984 के बाद में पूर्ण बहुमत की पहली दूसरी सरकार है ये। पिछली बार लोगों ने मोदी जी पर विश्वास किया था तो मोदी जी ने उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य किया, 133 योजनाएं दे करके गरीबों की को गरीबी से उबारने का काम किया। अब आगे उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का समय है। जो उनकी अपेक्षाएं हैं वो पूरी की जाएंगी। निश्चित तौर पर गरीबी अमीरी का भेद मिटाने के लिए सरकार, राष्ट्रवाद के लिए सरकार और देश की सुरक्षा अखंडता के लिए सरकार है। इसके लिए जनता ने चुनाव किया है। मैं जनता को कोट कोट धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही फिरोजाबाद जनपद की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी उसने 1999 के बाद में कमल खिलाया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, उनके चरणों में नमन। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो अभूतपूर्व सफलता देश के करोड़ों करोड़ मतदाताओं के द्वारा जो सफलता दी गई है, आज देश के प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाने के लिए आज ये आतिशबाजी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत दर्ज की है उस जीत की खुशी में ये आतिशबाजी है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने आशा के साथ वोट दिया था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे, देश की जनता के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएँ लाएंगे। 2019 के दूसरे चुनाव में देश की जनता ने विश्वास किया मोदी जी पर और मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं पर विश्वास करके उन्हें 2019 में मोदी जी को अभूतपूर्व मत दिया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपने बूते पर 303 सीटें प्राप्त हुई हैं। एनडीए गठबंधन को लगभग 350 सीटें प्राप्त हुई हैं। आज उस खुशी में जश्न है, कार्यकर्ताओं में खुशी है और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिले के समस्त सम्मानित मतदाताओं के चरणों में नमन करता हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रसेन यादव जी को भारी मतों से जिताकर लोकसभा में पहुंचाया है। ऐसे करोड़ करोड़ जनपद के लाखों ऐसे मतदाता एवं देवतुल्य वह कार्यकर्ता जिन्होंने अपना सीना अड़ाकर इस चुनाव को जिताने का काम किया है, ऐसे सभी मतदाता और अपने कार्यकर्ताओं के चरणों में नमन करता हूँ और आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि जनता के हर सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी परिवार आपके साथ खड़ा है और रहेगा।